पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रतिबंध के बाद भी हर्ष फायरिंग की घटना थम नहीं रही है। संबल जिले में 24 घंटे के भीतर लगन समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक मासूम की मौत हो गई। आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला संबल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम कन्हौवा का है, जहां गांव निवासी संजय यादव का बीती रात लगन चढ़त का कार्यक्रम चल रहा था। आरोपी की लगन की खुशी में बर पक्ष ने भोला नाम के शख्स ने तमंचे से हर्ष फायरिंग कर दी, जिससे गोली कन्या पक्ष के साथ बैठी 8 साल की कुमकुम को लग गई, जिससे कुमकुम की मौके पर मौत हो गई। बच्ची की मौत से खुशी का माहौल गम में बदल गया। इस बीच आरोपी मौका पाकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। वहीं पीड़ित पिता सतीश यादव की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं हयात नगर थाना क्षेत्र में भी लगन समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लगी थी, जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़ा सवाल उठता है कि रोक के बाद भी संबल जिले में हर्ष फायरिंग की घटना नहीं रुक रही है। कहीं न कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। ये मामला रजपुरा के पास में कन्हौवा ग्राम पड़ता है, और वहाँ पर हम लोग हमारी तहरी बहन की शादी सगाई थी। सगाई के लिए हम लोग सब लोग गए हुए थे, और वहाँ जाके हमने सगाई का सारा प्रोग्राम शुरू किया। सगाई चढ़नी स्टार्ट होगी, सगाई जैसे कंप्लीट होती है तो एक उन्हीं के परिवार से एक सदस्य है जिसका नाम भोला है, और वो शराब के नशे में था। जैसे ही हमारी सगाई कंप्लीट हुई, वो बंदा आया, अचानक से उन्हें फायर किया। उसको सारी पब्लिक ने मना किया, जितने भी वहाँ पे लोग थे, और उनको ये बोला किया कि भैया आप ऐसे यहाँ पे फायरिंग मत करो। उसके बाद भी उन्होंने एक फायरिंग कंटिन्यू फायरिंग करी, जिसमें वो सीधी उसके द्वारा गोली हमारी जो भतीजी है मेरी, उसको जाके लगी है। ये देखिए, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। एक थाना रजपुरा के क्षेत्र में घटना घटित हुई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 132/19 अंतर्गत धारा 302 पंजीकृत किया गया है, और इसमें हर्ष फायरिंग कारित करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार दूसरी घटना हयातनगर थाने से संबंधित है, इसमें 307 IPC के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें भी अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सभी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि घटना कारित करने के बाद अभियुक्त वहाँ से फरार हैं। पूरे प्रयास किए गए हैं, टीमें गठित की गई हैं, और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की।